हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेल्सपाथोइड ग्रुप को अपने मिनरोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में और लेक्चर सीरीज़ में। तो फेल्सपाथोइड ग्रुप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है, और फेल्सपाथोइड ग्रुप जो है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है कि आपके मीन्स जो हमारे टेक्टोसिलिकेट्स हैं जैसे कि क्वार्ट्स और फेल्सपार, तो उनसे काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इनको कई बार आइडेंटिफिकेशन में गलती कर बैठते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो। तो उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फेल्सपाथोइड ग्रुप GSI में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग फेल्सपाथोइड ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। तो फेल्सपाथोइड ग्रुप में सबसे एक यूनिक बात क्या है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्लेजियोक्लेस फेल्सपार में भी आप सब लोगों को बताया था कि प्लेजियोक्लेस फेल्सपार में जैसे जैसे आपका कैल्शियम का कंटेंट बढ़ता है, वैसे ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है। तो यहाँ पर एनल्साइम जो हमारा प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, जिसको हम सोडियम में फेल्सपाथाइड भी बोलते हैं, उससे लेकर पोल्यूशाइड तक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। कितना? 1.48 से लेके 1.53 तक। तो ये ट्रेंड है, ये मैंने प्लेजियोक्लेस फेल्सपार सीरीज़ में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हमारा कैल्शियम का परसेंटेज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है। ओके, देन हम ऐसे ही फिर हम लोग देखते हैं कैनरी नाइट से लेके और विस्ने वाइट तक भी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डाउन चलता है, क्योंकि कैनरी वाइट से लेके और विस्ने वाइट तक जो है हमारा कैल्शियम का जो परसेंटेज है वो लो होता है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा 1.52 से लेके 1.48 तक डाउनफॉल दिखा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी या जिसको हम बोल सकते हैं फेल्सपाथोइड ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें सोडालाइट, ठीक है, जिसमें निजोलाइट, उसके बाद आपका लेजुराइट के बाद आपका ल्यूसाइट, ओके, ल्यूसाइट के बाद नेफेलिन। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। अदरवाइज़ इसके अलावा बहुत सारे फेल्सपाथोइड ग्रुप के मिनरल्स हैं जिनको हम सब लोग यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एनल्साइम का जो कलर है वो वाइटिश इन कलर है। अगर हम लोग जाते हैं ब्लू कलर में, न्यूजोलाइट जो है आपका ब्लू कलर शो करता है, वैसे ही फिर आपका होलेनाइट एंड लेजुराइट भी आपका ब्लू कलर को शो करता है। ठीक है, देन बाकी अदर जितने भी रिमेनिंग हमारे फेल्सपाथोइड ग्रुप के मिनरल्स हैं वो कलरलेस शो करते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस फेल्सपाथोइड ग्रुप की 5 से लेके 6 तक वेरी करती है, जिसमें 5 में आपका हेक्मोनाइट और एनल्साइम आ जाता है, ये आपके 5 हार्डनेस शो करते हैं। बाकी लेजुराइट और आपका जो है कानरीनाइट, ओके, देन नेफिलीन, ये सब आपकी 6 हार्डनेस को शो करते हैं, या स्कैपोलाइट। देन जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इसमें काफ़ी वेरिएशन है, 2.2 से लेकर वेरिएशन हमारा 2.8 तक। तो 2.2 एनल्साइन और स्कैपोलाइट में 2.8 तक हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। देन लस्चर की अगर हम लोग बात करें तो नेफेलिन को छोड़कर बाकी सभी जितने फेल्सपाथोइड ग्रुप के मेंबर हैं सब के सब आपके विट्रियस लस्चर दिखाते हैं। तो नेफेलिन ही एकमात्र ऐसा इसमें मिनरल है जो कि आपका ऑयली लस्चर दिखाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार ये पूछी जा सकती है। जैसा कि मैं आप लोगों को, कई व्यूवर्स ने मेरे से पूछा कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इसके साथ डिस्कस कीजिए, तो मैं आप सब लोगों के लिए बता दूं कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में 10 से 12 मिनट के लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँ। तो बट टेक्टोसिलिकेट्स के कंप्लीट होने के बाद मैं आप सब लोगों के साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आ सकते हैं, जिनकी संभावना है। ओके, तो आप घबराइए मत, वो भी हम लोग वन बाय वन अपने लेक्चर सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा। देन नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसपेरेंसी। तो आपके फेल्सपाथोइड ग्रुप जितना है वो आपका ट्रांसल्यूशेंट
प्रॉपर्टी दिखाता है, और आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम से लेकर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम तक। तो इसमें जैसे मैंने इम्पोर्टेंट मिनरल्स बताए थे, तो इनको इनका आप लोगों को जो है क्रिस्टल सिस्टम को आपको याद रखना है। जैसे आपका नेफेलिन है, नेफेलिन में आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, लेजुराइट, लेजुराइट में आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है, लेजुराइट, निजोलाइट और सोडालाइट सब में आपका क्रिस्टल सिस्टम है जो है वो आइसोमेट्रिक है। देन हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ फेल्सपैथोइड ग्रुप की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसमें फिर से कलर की बात करें, तो सभी प्रॉपर्टी मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं हमारे कलरलेस हैं, एक्सेप्ट आपका जो है लेजुराइट। ओके, लेजुराइट ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। देन पहले ब्लू कलर का हमारा सोडालाइट भी दिखाई देता है। तो सोडालाइट और लेजुराइट ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ब्लू कलर के दिखाई देते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसको आप याद रखिएगा, क्लीवेज इसमें पुअर और इम्परफेक्ट क्लीवेज इसमें दिखता है, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो। ब्राइफिंग्रेंस, ब्राइफिंग्रेंस जनरली इसमें एब्सेंट पाया जाता है, बट प्रेजेंस दो मिनरल्स में हमें दिखाई देती है, या वीक जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपका कैनेलाइट, लेजुराइट और नेफेलिन में वीक और अब्सेंट टाइप की ब्राइफिंग्रेंस हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, ट्विनिंग हमारा प्रेजेंट है सोडालाइट में, बाकी देन आपका निजोलाइट में और हेवलाइट में, बाकी में हमारा जो ट्विनिंग है वो अब्सेंट है। एक्सटिंक्शन एंगल की अगर हम बात करें, तो एक्सटिंक्शन एंगल्स हमारा जितना सोडियम बियरिंग सोडियम या फिर जिसमें कैल्शियम का परसेंटेज है, उसका जो आपका एक्सटिंक्शन एंगल है 32 से 35 के बीच में वेरी करता है। बट जैसे जैसे हम लोग पोटेशियम बियरिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो एंगल स्टीप होता चला जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि नेफेलिन, नेफेलिन में एक्सटिंक्शन एंगल आपका हाई मिलेगा 55 से 85 डिग्री, और ओवरऑल अगर ग्रुप की बात करें तो 30 से 85 डिग्री के बीच में एक्सटिंक्शन एंगल वेरी करता है फेल्सपैथोइड ग्रुप का। ओके, देन अगर हम नेफेलिन की बात करें, तो नेफेलिन हमारा यूनिएक्सियली निगेटिव मिनरल है, और रेयर मिनरल में कैल्सिलिलाइट इस जो है इसका बहुत ही रेयर मिनरल्स है, बहुत रेयरली ही मिलता है। ओके, तो अगर पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें पैलियोक्रोइक प्रॉपर्टी की, तो पूरा का पूरा ग्रुप ही हमारा नॉन पैलियोक्रोइक प्रॉपर्टी में आता है। ओके, तो जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है कैल्शियम प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम की वजह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज स्लाइटली विद पोटेशियम कंटेंट एंड इंक्रीज विद अनऑर्थाइट एंड डिक्रीज विद एल्बाइट। ओके, देन नेफेलाइन इज ऑल्सो नोन एज एलियोलाइट। क्यों? ये मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि इसका लस्चर क्या है, ऑयली है, तो इसको एलियोलाइट भी बोलते हैं नेफेलिन को, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ब्राइफिंग रेंस डिक्रीज एज NaSO4 रिप्लेस बाई CaCO3। ओके, तो ये कुछ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ फेल्सपैथोइड ग्रुप की। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर ने आपकी कुछ नॉलेज को इनक्रीज़ किया होगा अबाउट फेल्सपैथोइड ग्रुप का, ग्रुप के बारे में। और यस, ऑफ कोर्स जो हमारी न्यू जनरेशन है, बीएससी में जो लोग पढ़ रहे हैं या एमएससी फर्स्ट ईयर में जो लोग पढ़ रहे हैं, और जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी फेल्सपार ग्रुप की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करने में, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, बेनिफिट रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से जल्द ही जियोलाइट ग्रुप के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।